अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आ गए हैं जी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है जी हमारा शॉपिंग पे। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मैं आपको किसी भी तजस्सुस में नहीं रखना चाहती। तो जी है हमारी शॉपिंग बड़ी मज़ेदार, और रमज़ान की शॉपिंग जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में भी दिखाई थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बाज़ार से क्या क्या ख़रीदा है। दरअसल लगने वाला है जी लॉकडाउन, आप लोगों ने भी जो जो ख़रीदना है जल्दी जल्दी से ख़रीद लें, क्योंकि हो जाएंगे सब शॉप्स बंद। तो क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में तो हम सब की तैयारी जो है खूब खूब चलती है। और पीछे बोल रहा है जी मेरा मिट्टू को भी बोलने दें, उसे भी बोलना है क्योंकि उसका तो लॉकडाउन लग नहीं सकता बोलने का, ठीक है ना। तो रोज़ आप भी न्यूज़ देखते होंगे कि क्या हालात चल रहे हैं, यानी कि कोरोना के हवाले से। दरअसल जहाँ पे तशरीफ़ लाए होंगे आज या शायद कल तशरीफ़ ला चुके हैं उस्मान वज़दार साहब, पंजाब के जो वज़ीर आला हैं। तो शायद उन्होंने भी कुछ अच्छे अच्छे ऐलानात किए हैं जो अभी तक पूरे तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी पूरे होंगे। तो वैसे भी हमारी दुआ है कि जो जो उन्होंने बोला है वो अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी पूरा भी करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात कुछ दुरुस्त हों। पहले भी कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे को जा रहा है। और इमरान खान आपको तो सलूट है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हमें चाहिए अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाजिल करे, और इस बीमारी को जल्दी जल्दी से इस पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो रमज़ान की तैयारी हर घर में जैसे कि स्टार्ट हो जाती है रमज़ान से पहले ही, क्योंकि अब तो जल्दी स्टार्ट हो गई है। और जब हम आज बाज़ार गए हैं तो आप यकीन जाने वहाँ पे इतना रश था, हर दुकान में, हर छोटी दुकान में, हर बड़ी से बड़ी दुकान पे रश ही रश था, क्योंकि लॉकडाउन का होने वाला है जी सिलसिला जारी। तो इस वजह से दुनिया अपनी अपनी ख़रीदारी कर रही है, क्योंकि कुछ खवातीन जो हैं वो अपने बच्चों को भी लेके आई हुई थी, बच्चों की भी ख़रीदारी कर रही थी, क्योंकि रमज़ान में बच्चों को साथ लेके जाना रोज़े के साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चे जो हैं वो माओं के साथ आए हुए थे आज, और अच्छे तरीके से कर रही थी जी शॉपिंग। तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी बाद में, और जो मैंने आपको बताया था जी फुफो का सूट गया हुआ था डाई के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके क्या हालात हो चुके हैं। और उससे पहले मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ कि आज हमारे किचन में क्या पक रहा है, चले चलते हैं। ये जी आगे हम अपने किचन की तरफ, और अपनी पका रही हैं बड़ी मज़े की कढ़ाई, दही वाला गोश्त पक रहा है जी आज मज़ेदार सा, क्योंकि आज सबका रोज़ा है, शब बरात का, रात को की सबने इबादत। और अम्मी बना रही हैं जी उसके लिए, उन सब के लिए मज़े मज़े के खाने, और मेरा रोज़ा नहीं है, बाकी सबका रोज़ा है। मेरा छोटा सा बेबी है, उसको संभालना होता है, तो रोज़ा अभी नहीं मैं रख सकती, ठीक है ना। तो अम्मी बना रही हैं अपनी जी ये रेसिपी, बड़ी मज़ेदार गोश्त बन रहा है, कढ़ाई गोश्त बन रहा है। और ये दरअसल कढ़ाई में नहीं है, ये कुकर में बन रहा है, तो इसको कढ़ाई या कुकर गोश्त कह लें आप ऐसे ही है ना। तो ये गोश्त बड़ा मज़े का बनेगा, मैं भी इसकी भी आपको साथ साथ रेसिपी बताती हूँ कि मम्मा कैसे बनाती हैं, और साथ साथ मैं अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। पहले आप इसकी रेसिपी देख लें, ठीक है ना। अम्मी ये क्या आपने डाला है, सबसे पहले इसमें ऑयल डाला है, और ऑयल के बाद आपने क्या इसमें ऐड किया है, प्याज ऐड किए हैं, और प्याज को लहसुन अदरक, प्याज को हल्का सा ब्राउन करके अम्मी ने लहसुन अदरक ऐड किया है, लहसुन अदरक को हल्का सा ब्राउन करके फिर अम्मी ने डाल दिया जी इसमें चिकन। चिकन को अम्मी अच्छी तरह से भूनेंगी, और चिकन को वैसे भी अच्छी तरह भूनना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी बार बार बता रही हैं कि चिकन को अच्छी तरह से पका कर खाएँ, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं चिकन के बारे में, चिकन तो वैसे भी हमारे घर में बहुत कम खाते हैं, अवॉइड ही करते हैं सब। तो आज वैसे भी अम्मी बना रही थी ये चिकन कढ़ाई, जिसमें डलेगा जी दही। ये अम्मी ने जी दही का सारा मसाला ये तैयार करके रखा हुआ है। अम्मी इसमें क्या क्या डाला है आपने, अम्मी ने इसमें डाला है जी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, चार पांच इसमें सब्ज़ मिर्चें गई हैं, और एक बड़ा टमाटर गया है, बल्कि दो टमाटर, अम्मी पीछे से इशारा कर रही हैं कि मैंने दो टमाटर डाले हैं, दो टमाटर इसमें गए हैं। नमक गया है जी इसमें, एक टेबल स्पून नमक गया होगा, और एक से डेढ़ चम्मच गए हैं इसमें सुरख मिर्च, और बल्कि सारे मसाला जा जो इसमें है ना अम्मी ने डाले इसमें, और कोई कढ़ाई मसाला वगैरह नहीं अम्मी ने डाला, ये अम्मी के अपने मसाले हैं जो इसमें ऐड हुए, तो वो भी जाएंगे जी इस कढ़ाई में, ठीक है ना।
अच्छा जी, अम्मी भून रही हैं गोश्त को। गोश्त अच्छी तरह से जब भून जाएगा, जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो फिर अम्मी डालेंगे जो इसमें अम्मी ने मसाले अपने ऐड किए हैं, तो वो इसमें जाएंगे। आप भी इसको, इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रोज़ जो किचन में बन रहा होता है वो आपको मैं साथ साथ दिखा रही हूँ कि कैसे हम घर में कुकिंग करते हैं। तो ये अम्मी जब गोश्त भून लेंगी तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। फिर 10-15 मिनट के लिए अम्मी और इसको भूनेंगी ताकि दही और जो बाकी मसाला जाते हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ, पक जाएँ। फिर अम्मी इसको लगा देंगे जी दम पे, धनिया डाल के गार्निशिंग करके, और मैं दिखाऊँगी, ठीक है ना। तो दही सॉरी कह रही हूँ, इसमें जो धनिया है ना वो ज़्यादा सारा ऐड होगा। ये देखें अम्मी ने ज़्यादा सारा सा बनाया होगा, आपने ज़्यादा सारा सा ऐड करना है। वैसे भी हंडिया में जब तक ये ना हो धनिया, तब तक हंडिया का मज़ा ही नहीं आता, और धनिया की एक अलग ही खुशबू इसमें होती है, अच्छा भी लगता है। अच्छा जी, ये साथ साथ हो रही है जी अफ्तारी की तैयारी। बाकी जो मटेरियल है वो बाहर से आएगा, वो मेरे हस्बैंड लेने गए हैं। मैं तो अम्मी बनाने लगी हैं इनके लिए स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। ये अम्मी ने स्ट्रॉबेरी जी हम कल को लेके आए थे, तमाम फ्रूट तो अम्मी ने ये फ्रीज़ कर ली थी। ये फ्रीज़ होने के बाद अम्मी ने मैं पानी में थोड़ी देर के लिए भगो दी है। तो ये है जी दूध, तो अम्मी अभी बनाएंगी इसका मिल्क शेक, तो वो भी आप देखिएगा। तो हम रोज़े की जो रोज़ादार बैठे हुए हैं, बेचारे तो नहीं वो, बल्कि हमसे ज़्यादा अजीम कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ये मिल्क शेक कैसे बनेगा। मिल्क शेक तो बनेगा ही बनेगा, ये साथ में बनेगा जी ये सोबो। मैं आपको दिखा दूँ, ये पाकिस्तानी ड्रिंक नहीं है, ये दरअसल साउथ अफ्रीका की ड्रिंक है, और ये वहाँ से पापा लेके आते हैं। तो हम ये रमज़ान में यूज़ करते हैं, और रमज़ान में हमारी ये बॉटल्स जो हैं वो जब पापा भी होके गए हैं वो आ चुकी हैं, 5-6 बॉटल्स, ठीक है ना। तो हम बाहर का कोई भी शरबत वगैरह ऐसा यूज़ नहीं करते, यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। या जामेशीरी चल रहा होता है, या ये सोबो चल रहा होता है, इसमें ज़्यादातर ऑरेंज का फ्लेवर आता है, और ये ओरिजिनल सोबो है शायद, जो मुझे देख रहे हैं उनमें उनके घर में भी शायद जो साउथ अफ्रीका रहते हों वहाँ से आ रहा हो। लेकिन ये बहुत एनर्जेटिक ड्रिंक है, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, और हमारे घर में ये बहुत शौक से पी जाती है। और जब भी पापा बाहर से आने वाले होते हैं, जब वो पूछते हैं ना तो आप सबके लिए क्या लेके आऊँ, तो सबके मुँह पर यही होता है, पापा हमारे लिए सोबो ले आइएगा, और कुछ लाए ना लाएँ लेकिन ये सोबो लाजमी ले के आइएगा। तो ये सोबो का ड्रिंक चलता है जी, साथ सोबो का ये शरबत भी अभी बनेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ में बनेगा जी ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ये भी साथ में बनेगा। और बाहर से आएगा जी, रोज़ा भी खुलने वाला है, 6:05 हो गए हैं, 6:30 तक रोज़ा भी इंशाल्लाह खुल जाएगा। और इधर से जो हमारा है जी चिकन, वो भी ये हो गया है जी हमारा चिकन कढ़ाही तैयार। और अम्मी ने इसमें जी डाल दिया है धनिया ज़्यादा सारा सा, और ये बिल्कुल खुशबू आ रही है, और ये रोज़ादार के लिए तैयार है जी हमारी डिश। अभी ये जा रही है जी दम पे। ये जी इफ्तारी हो गई है हमारी तैयार, और अभी बस रोज़ा इफ्तार होने वाला है, तो अभी सब ये सब खा लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था ये सोबो का ड्रिंक ये भी तैयार हो गया है, ये बनाना मुश्किल नहीं है, इजीली बन जाता है, सिर्फ पानी में मिक्स करना होता है। तो हम सब घर में ये सब शौक से पीते हैं, सोबो का ड्रिंक एनर्जेटिक होता है ये, या फिर जामेश्वरी ज़्यादा पिया जाता है। और ये स्ट्रॉबेरी शेक है, ये भी रेडी हो चुका है। तो अभी बस अफ्तारी के बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ कि क्या क्या आज परचेज़ किया है, कि रमज़ान से पहले ही खरीद लिया जाए सबको बेहतर है। हाँ जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग कि हमने क्या क्या आज परचेज़ किया है बाज़ार से। और ये ड्रेस था, शर्ट पीस पप्पो ने जो कलर के लिए दिया था, और ये कलर मुझे लगता है ठीक से हुआ ही नहीं है, इतना अच्छे से नहीं हुआ कलर। और वैसे भी बाज़ार में बहुत रश था, बहुत ज़्यादा था रश ना, क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इसलिए सब कोई ना कोई ख़रीदारी कर रहे हैं रमज़ान के लिए। तो
ये मेरी छोटी सिस्टर का ड्रेस था, ये तो उसने ऑनलाइन ही मंगवाया था। ये भी बहुत प्यारा है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये परचेज तो नहीं किया उसने ऑनलाइन, उसने ऑर्डर पे मंगवाया है। ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी मंगवाऊँ, क्योंकि गर्मियों में जितने भी हों कपड़े उतने ही कम हैं। जैसे ही इसके शर्ट पे डिज़ाइन था वैसा ही इसके ट्राउज़र पे भी था प्रिंट सेम। और ये मैंने कुछ अपनी बेटी के लिए शॉपिंग की, मुझे ये अच्छे लगे ड्रेस। और वैसे भी बच्चों की जो शॉपिंग है वो ज़्यादा करना मुझे अच्छा लगता है, और बच्चों के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने सोचा चलो उसके लिए भी कुछ ना कुछ गर्मियों के लिए ले लिया जाए, तो मुझे ये कलर बहुत नाइस लगे दोनों, तो ये मैंने उसके लिए लिए हैं। और ये कुछ कट पीसेस थे, ये मैंने उसके लिए लिए अपनी बेटी के लिए। क्योंकि बच्चों के जितने भी कपड़े हों उतने ही कम हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए कितने प्यारे प्रिंट हैं, ये शर्ट पीस था और ये ट्राउज़र पीस, और इसकी प्यारी प्यारी सी फ्रॉक सिलेंगे इसके लिए। वैसे तो उसकी नानो भी बहुत अच्छे डिज़ाइन से उसकी फ्रॉक सिलाई करती हैं, जब ये सिलाई हो जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरह से डिज़ाइनिंग से सिलाई होंगी। ये हमने रमज़ान से पहले पहले की शॉपिंग की है, क्योंकि रमज़ान में तो शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो रोज़ा होता है और रोज़े में जाना बाज़ार बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रोज़े की हालत में बाज़ार जाना बहुत मुश्किल होता है। और आगे वैसे भी मौसम चेंज हो जाएगा, मौसम चेंज होने की वजह से भी बाज़ार जाना मुश्किल है, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ रमज़ान से पहले भी ख़रीद लिया जाए, ताकि ईद से पहले पहले कुछ ना कुछ जो है ना वो ख़रीद के वो आसानी से सिलाई भी कर लें। क्योंकि ईद के नज़दीक जो भी हम सोच रहे होते हैं कि हम ये वाला ड्रेस लेंगे, वैसा मिलता भी नहीं है अफरा तफरी में। ये कुछ मैंने अम्मी के लिए लिया था, ये टू पीस है, और मर्दाना शॉपिंग की भाई के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि फिर दर्जी बाद में कपड़े वगैरह पकड़ते ही नहीं हैं, तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि रमज़ान से पहले पहले कपड़े ख़रीद के मर्दाना तो दर्जी को दे देते हैं, ताकि ईद आने तक सिलाई हो जाए, क्योंकि उनको फिर धोना होता है, माया वगैरह लगानी होती है, फिर उनको प्रेस के लिए देना होता है। फिर ईद के नज़दीक दर्जी जल्दी से देती भी नहीं है, तो इस वजह से रमज़ान से पहले ये परचेज करके फिर दर्जी को दे देते हैं, ताकि जल्दी से सिलाई हो जाए। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने भाई के लिए और हस्बैंड के लिए कौन सा कलर चूज़ किया। कि मर्दाना जो शॉपिंग है उसके लिए मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, तो इसके लिए अम्मी साथ होती हैं, तो अम्मी को ज़रा आइडिया होता है, तो मैं अम्मी को हमेशा साथ लेके जाती हूँ। ये देखें, एक ये कलर था, ये भी बहुत प्यारा था, ये लाइट सा स्किन और लाइट सा चॉकलेट कलर मिक्स अप कलर था, बहुत प्यारा था। ये दरअसल भाई के लिए लिया था, अजहर अली का ड्रेस है, ये बहुत प्यारा कलर है, लाइट ब्राउन सा कलर है ये। और हम जिस शॉप पे भी जा रहे थे वहाँ हर शॉप पे रश था, ये बहुत नाइस कलर है। एक ये वाला इसके लिए डिसाइड किया है, और मैं सोच रही थी अभी तो रमजान स्टार्ट भी नहीं हुआ और अभी से इतना रश शुरू हो गया है, शायद बहुत से लोग हम जैसा ही सोचते हैं कि रमजान से पहले पहले हम कुछ ना कुछ खरीद ले, ताकि इजीली बाद में हम रोजे रख सकें और अपनी इबादत कर सकें, क्योंकि फिर ध्यान बटा रहता है कि
ये भी शॉपिंग इसके की तरफ ध्यान रमजान के रहता है लिए, और ज्यादा। इनका भी हाउस शायद का इसी औरतों लिए का है जो हाउस कि वाइफ होती हैं वो मेरा यही ये सोच रही होती हैं कि बच्चों भाई के लिए हस्बैंड के लिए जल्दी से तैयारी हो जाए ईद की, ये भी क्योंकि और पहले भी तो मैं बहुत से उनके लिए काम लेके होते आई हैं थी, वो जो साथ लाइट साथ कलर करने था लेकिन पड़ते हैं। वो शायद पसंद तो नहीं ये आया फिर मैंने हम इसको कलर जो वापस है करने ये के वाला लिए हस्बैंड किए के लिए हैं, चूज़ फिर किया हमने है, वो ये चेंज लाइट कर दिए आसमानी लेकिन कलर, ड्रेस स्काई मेरी कलर, लाइट बहुत कलर प्यारा था ये वाला आसमानी, कलर। स्काई कलर है, बहुत पहले तो मैंने जबरदस्त उनके कलर लिए है, और वो कलर भी चूज़ जब किया था सिलेंगे लेकिन इस चीज़ शायद को फिर प्यार उनको आएगी पसंद नहीं आया, तो फिर मैं फिर मैं दोबारा आपको ये ये दिखाऊंगी, ठीक है? गई हूँ और चेंज करके लेके आई हूँ। और ये मैंने अपने लिए लिया है, अभी लोन के इतने अच्छे से डिज़ाइन आए नहीं थे और मुझे जो पसंद आए वो मैंने ले लिए। एक मुझे ये कलर पसंद आया था और इससे पहले जो आपने देखा है वो, और ये मैंने हस्बैंड के लिए लिया है। ये दरअसल मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जब वक्त आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह से ज़रूर ये भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये उनके लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कल तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।